finishes off in style. मैच नंबर 17 चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद 9 अप्रैल 2022 डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई। अगर इस मैच के पिच रिपोर्ट की बात करें तो यह मैच होगा नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में। यहां हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों मैचेस हुए हैं। यहां पर हुए पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेज करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेटों से हराया था। यहां तेज़ गेंदबाजों के साथ साथ स्पिनरों को भी भरपूर मदद मिलती है। तो अब अगर हम CSK के प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा, मोइन अली, अंबती रायडू, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, शिवम दुबे, ड्वेन ब्रेवो, जॉर्डन, ड्वेन प्रिटोरियस और मुकेश चौधरी हो सकते हैं। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स का भी जीत का खाता नहीं खुला है, लेकिन उनकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। मुझे नहीं लगता यह प्लेइंग 11 चेंज होने वाली है। चलिए अब आते हैं SRH के प्लेइंग 11 पर। यहाँ पर केन विलियमसन, अभिषेक शर्मा, एडन मार्कराम, राहुल त्रिपाठी, निकोलस पुरन, अब्दुल समद, रोमारियो शेफर्ड, वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और उमरान मलिक होंगे। जीत का खाता तो हैदराबाद का भी नहीं खुला है, लेकिन SRH के कप्तान केन विलियमसन इस प्लेइंग 11 को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है, इसलिए इस टीम में भी कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अब अगर हम आपके लिए फैंटेसी प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पर विकेट कीपर में आपको निकोलस पुरन को लेना है। विशुद्ध बल्लेबाज में आप ऋतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा और राहुल त्रिपाठी को ले सकते हैं। ऑलराउंडर में मोइन अली, शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर मस्ट पिक है। वहीं गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, ड्वेन ब्रेवो और ड्वेन प्रिटोरियस होंगे। अगर आपके फैंटेसी 11 की कप्तानी की बात करें तो CSK अगर पहले बैटिंग करती है तो कप्तान आपको मोइन अली को बनाना है और वाइस कैप्टन ड्वेन ब्रेवो को। वहीं अगर हैदराबाद पहले बैटिंग करेगी तो आपको कप्तान नहीं बदलना है, वह मोइन अली ही रहने वाले हैं। वहीं पर वाइस कैप्टन शिवम दुबे हो जाएंगे। CSK वर्सेस SRH के मैच के लिए हमारी ओर से आपको एडवाइस यह है कि अगर आप 2-3 कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं तो आप राहुल त्रिपाठी की जगह केन विलियमसन और रॉबिन उथप्पा की जगह अंबती रायडू को ले सकते हैं। इसके बाद मुझे ज़्यादा चेंजेस की उम्मीद नहीं है। रही बात बल्लेबाजी की तो आज ऋतुराज गायकवाड़ फॉर्म में आएंगे और ज़बरदस्त खेलेंगे, इसलिए उनको लेना ही है। ऑलराउंडर में मोइन अली, शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर रहेंगे जो कि मस्ट पिक है। रविंद्र जडेजा के फॉर्म में आने तक उसका इंतजार किया जा सकता है। वहीं गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और ड्वेन ब्रेवो को रखिए। वहीं अगर चेन्नई पहले बॉलिंग करती है तो मुकेश चौधरी को आप ले सकते हैं और चेन्नई अगर बाद में बॉलिंग करेगी तो ड्वेन प्रिटोरियस आपके लिए ठीक रहेगा। तो अब आप अपनी टीम बनाइए और जीत का आनंद लीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। साथ ही जरूरी सजेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेजोर क्रिकेट से जरूर जुड़िए। वहां पर हम आखिरी क्षणों के कुछ चेंजेस भी बताते रहते हैं। थैंक यू सो मच।